प्राचीन समय में राजा और रानी के प्यार की कहानियां लोगों को हमेशा मोहित करती रही है। सोशल मीडिया के आगमन से पहले प्यार का इजहार करने के लिए लोग कई रोमांचक तरीके अपनाते थे। चिट्ठी भेजकर प्यार का इजहार करना एक बहुत ही रोमांचक और रोमांटिक तरीका था। आइए हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो बताती है कि राजा और रानी, नवाब और उनकी बेगम कैसे अपने प्यार का इजहार करते थे। के पहले के जो नवाबीन अवध थे, उनकी जो बेगमार थी, उनके लिए, उनको खुश करने के लिए, उनकी मोहब्बत में उनके लिए वो बागात बनवाते थे, उनके लिए महल बनवाते थे। और दूसरी, जैसे ये है कि ज्वेलरी है, ये सब इसकी, इन चीजों की तो उनके पास कोई कमी होती ही नहीं थी, लेकिन खास ये थी कि मखसूस उनके लिए कोई महल बनवा दिया, कोई बाग बनवा दिया, या फिर उनको सैर सपाटे के लिए लेके गए अपने साथ, तो वो एक अलग ही मंजर होता था। उनके लिए गजलें कह रहे हैं, शायरी उनके उनको सुना रहे हैं, तो इस तरह का माहौल जो है वो होता था। पहले जो मोहब्बतें होती थी सिर्फ नवाबी दौर में, सिर्फ नवाबीन अवध और बेगमाते अवध के में ही नहीं, बल्कि उस दौर में भी अगर होता था तो वो एक अलग ही तरीके का रोमांस होता था। पहले कबूतरों के जरिए जो थे वो खत भेजे जाते थे, पतंग में चिट्ठी बांध के, खत बांध के पतंग उड़ाई जाती थी, छुड़ैया दी जाती थी, और उसके बाद वो पतंग जो है वो दूसरे घर में, जहां पर उनकी महबूबा होती थी, महबूब की महबूबा जहां पर होती थी, वो वहां छुड़ैया उड़ा के, पतंग को उड़ा के वहां पर ढाई जाती थी, और वहां पर उनको जो महबूबा होती थी उनको इंतजार रहता था कि वो पतंग उड़ गई है, अब वो हमारे आंगन में गिरने वाली है। और वो जब गिरती थी उसके बाद वो पतंग से वो खत पढ़ती थी, फिर उसका जवाब लिखती थी, फिर वहां से उसको छुड़ैया दी जाती थी, और वो पतंग फिर से उड़ती थी, और फिर वो उसको अपने पास घसीट के फिर उसका जवाब जो है वो देखते। तो इस तरह की मोहब्बतें होती थी। या फिर कबूतर एक जरिया हुआ करता था कि कबूतर जो है, कबूतर के पैर में चिट्ठी जो है बांध दी गई। अब वो कबूतर इतने सधे हुए होते थे कि जहां पर उनको छोड़ा जाएगा और जहां के लिए छोड़ा जाएगा, वो कबूतर वहीं जाके उनके अड्डे के ऊपर बैठेगा या वहां की उनकी मुंडेर पर जाके बैठेगा। अब वहां जो महबूबा होती थी वो इंतजार कर रही हैं, और वहां पर उनके पास खत आया, कबूतर को उन्होंने दाना पानी वो सब दिया। उसके जैसे कि होता नहीं, कोई कासिद होता है, कोई जो ऐसा शख्स जो कि खत लेके आता है, उसी तरह से कबूतर वो कासिद कितना जाते थे, तो उनकी खातिर मुदारात होती थी, उनको दाना दिया जा रहा है, उनको पानी दिया जा रहा है, और उसके बाद फिर उसको खत पढ़ के फिर उनका जवाब वो लिखती थी, फिर उसी तरह से उनको बांधा और फिर कबूतर को छोड़ दिया, फिर वो अपने मालिक के पास आया और फिर उन्होंने उसका जवाब जो है वो हासिल कर लिया। तो इस तरह की मोहब्बतें होती थी, और कभी गुलाब के जरिए, कभी कोई ना कोई इस तरह के, उन्होंने कुछ नहीं तो अपना दुपट्टा भेज दिया, इन्होंने अपना रुमाल भेज दिया आशिक साहब ने। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जो जो के जैसे के टेस्ट मैच होता है कि उसमें वक्त लगता है, आजकल तो दौर है T20 वाला, आजकल जो मोहब्बतें होती हैं वो व्हाट्सएप के जरिए होती हैं, वीडियो कॉल के जरिए होती हैं, उन्होंने एक दूसरे को देख लिया। पहले देख ही कहाँ पाते थे, वो वहां हम यहाँ, पता चला कि कोसों दूर हैं या बहुत कई मकान दूर हैं, और वहां पर एक झलक भर मिल जाए, वहां पर जो महबूब होते थे वो उनकी गली से गुजरते थे और इस ताक में रहते थे कि कहीं वो मुंडेर से उनकी एक झलक भर जो है सिर्फ दिख जाए। तो इस तरह की मोहब्बतें होती थी। और आज आज तो ये कि खुलेआम सब लोग मिलते हैं, जुलते हैं, और डेट, जिसे एक आज के मॉडर्न जमाने में डेट कहते हैं, आजकल डेट करते हैं, और इतने ज्यादा मॉल्स हैं, इतने ज्यादा ऐसे जगहें हैं जहां कभी लोग मिलते जुलते हैं, डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही एक कल्चर जो है बिल्कुल बदल ही गया है। तो वही है कि पहले टेस्ट मैच का जमाना था, अब T20 का जमाना आ गया है। ये फर्क पहले और आज की मोहब्बत में।